हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आज हम आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी दोस्तों लाए हैं। दोस्तों जैसा कि आप अतिथि शिक्षक हैं और अभी भी आप अतिथि शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप बहुत ही जल्दी नियमित होने वाले हैं दोस्तों। ये हमारे पास खबर आई है, स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी जी ने कहा है हम जल्द ही नीति बनाएंगे दोस्तों। तो अतिथि शिक्षक बहुत ही जल्दी नियमित होने वाले हैं दोस्तों, उसके लिए मैंने वीडियो बहुत ही शानदार बनाया है और मैंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है अतिथि शिक्षकों के लिए दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, ताकि ये बात मीडिया में अच्छे से आपकी फैल जाए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बाद दोस्तों घंटी दबा दें, जिससे कि जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। राजस्थान छत्तीसगढ़ में एजुकेशन सिस्टम को लेके वर्क करता है दोस्तों, तो प्लीज़ आप हमारे मेंबर बन जाएं, हमारी तरफ से आपको सारी सेवाएं फ्री में मिलेंगी दोस्तों। अब हम ले चलते हैं आपको वीडियो के ऊपर कि वीडियो में क्या है कुछ खास आपके लिए, जिसकी आज का वीडियो बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि इस बात को सभी जगह अच्छे से फैल जानी चाहिए कि अतिथि शिक्षक होंगे नियमित। दोस्तों इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है, और जो भी हमारे अतिथि शिक्षक बंधु हैं दोस्तों, तो प्लीज़ वो एक्टिव रहें, अपने संघ को मजबूती प्रदान करें। अगर आप अभी 1 से 2 महीने थोड़ा संघर्ष कर लेंगे तो हो सकता है आप बहुत ही जल्दी नियमित हो जाएंगे दोस्तों। तो जुनून बनाए रखें, एक्टिविटी अपने अपने जिला संगठनों में करें, और दोस्तों भोपाल में अवश्य प्लानिंग करें, आपकी जो भोपाल में जो संघ बना हुआ है अतिथि शिक्षक का, उसमें आप योगदान दें, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब आपको नियमित नियुक्ति का पत्र मिलेगा दोस्तों। तो हम ले चलते हैं वीडियो के ऊपर कि वीडियो में क्या है खास कुछ आपके लिए दोस्तों। हमारा मैसेज आपको यही आप तक यही पहुंचाना है दोस्तों कि आप बहुत ही जल्दी नियमित होने वाले हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है प्रूफ के साथ दोस्तों। जो भी हमारे पास ऐसा कुछ मैटर आया है कि लगता है मुझे ऐसा कि अतिथि शिक्षक नियमित हो सकते हैं दोस्तों, तो वीडियो में मैंने उसको इंक्लूड किया हुआ है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखें। अब ले चलेंगे हम आपको वीडियो के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए जल्द लाएंगे नीति, एक कहा है स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री प्रभुराम चौधरी जी ने। नीति बनाएंगे अतिथि शिक्षकों को उन्हें नियमित करना है दोस्तों। ये पूरी कटिंग हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। इससे पहले हम आपको एक कटिंग के ऊपर और ले चलेंगे, उसमें भी कुछ अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए कुछ है ऐसा जो आपके लिए मुझे लगता है कि आपको दिखाना चाहिए। अतिथि शिक्षकों को नियमित करने जल्द लाएंगे नीति, ये कहा है स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री प्रभुराम चौधरी जी ने। तो दोस्तों हम पूरा पेपर पढ़ के सुनाएंगे क्या है कटिंग में कुछ खास आपके लिए, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। एक कटिंग आई है मेरे पास पीपुल्स संवाददाता भोपाल, प्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति का अध्यक्ष बनने की कवायद तेज हो गई है। कर्मचारी संघों के अध्यक्षों ने अपने अपने स्तर पर मंत्रियों का स्वागत समारोह आयोजित करना शुरू कर दिया है। टीटी नगर स्थित सरदार पटेल स्कूल में रविवार को शिक्षक कांग्रेस द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान गृह मंत्री बाला बच्चन, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा व स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। राज्य कर्मचारी कल्याण आयोग के पद को लेकर भी खींचतान शुरू हो गई। इस पद के लिए कर्मचारी कांग्रेस के वीरेंद्र खोंगल व शिक्षक कांग्रेस के राम नरेश त्रिपाठी दावेदार बताए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच पंचायत सचिव संगठन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी। कार्यक्रम में शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राम नरेश त्रिपाठी ने भी सभी का स्वागत किया और अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की मांग एक बार फिर दोहराई। दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे कि कार्यक्रम हुआ भोपाल में, तो यहाँ पे गृह मंत्री बाला बच्चन, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री प्रभुराम चौधरी के समक्ष एक बार फिर आप सभी की बात रखी गई, अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की मांग एक बार फिर दोहराई, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने जल्दी इससे संबंधित नीति
लाने उसे लागू करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि शिक्षकों को बच्चों की पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए ताकि शिक्षा का स्तर सुधरे। हमारे जो स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री बने हैं प्रभुराम चौधरी जी ने कहा है, आप स्कूल की शिक्षा विभाग का ध्यान रखें, शिक्षा कैसी चल रही है, बच्चों की पढ़ाई उस पर ध्यान रखें, आपके लिए नीति बनाई जाएगी। दोस्तों दूसरी कटिंग आई है, अब मैं उसको पढ़ के सुनाऊंगा आपके लिए। वीडियो बहुत ही शानदार है, मैंने आपको बताया था, प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए जल्द लाएंगे नीति, एक कहा है स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री प्रभुराम चौधरी जी ने। अब किया है खास आपके लिए, हम पूरा पढ़ेंगे। टीटी नगर स्थित सरदार पटेल स्कूल में रविवार को शिक्षक कांग्रेस द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान गृह मंत्री बाला बच्चन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री प्रभुराम चौधरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राम नरेश त्रिपाठी ने सभी का स्वागत किया और शिक्षकों को नियमित करने की मांग एक बार फिर दोहराई, जिसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री ने जल्द इससे संबंधित नीति लाने और उसे लागू करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि शिक्षकों को बच्चों की पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए ताकि शिक्षा का स्तर सुधर सके। वहीं पालकों से कहा कि वह बच्चों को स्कूल भेजें। दोस्तों आज की रिपोर्ट में सारांश यही निकलता है कि हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी जी ने कहा है, आप शिक्षा का स्तर सुधारें, और पालकों से कहा है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें, और कहा है कि शिक्षकों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए और बहुत ही जल्दी नीति बनाएंगे और उसको लागू कर देंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये मैसेज आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना, और प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें। दोस्तों ऐसे ही मैं अतिथि शिक्षकों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, तो प्लीज़ अगर आपने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बाद घंटी दबा दें, जिससे कि जो भी हम अतिथि शिक्षकों के लिए लेटेस्ट अपडेट को लेकर वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैं एक बात और बता दूँ, हमारा चैनल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात में एजुकेशन सिस्टम को लेके वर्क करता है, और जिसके लिए आपको हमारा मेंबर बनना है। दोस्तों ये हमारे लिए, हमने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा रखी है। दोस्तों तो प्लीज इस सुविधा का लाभ उठाएं और हमारे मेंबर बन जाएं। दोस्तों मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।